राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद और 135 आईपीएस अफसरों के लगभग 4200 सुझावों को एनालिसिस करके एक कानून बनाया गया है। मैं नहीं मानता कोई कानून इतनी विस्तृत कंसल्टेशन की प्रक्रिया से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी इस खास पेशकश नए कानून संपूर्ण विश्लेषण में। और ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, ऐसे में आपको इन तीनों कानूनों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कल से देश की न्यायिक और पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों को छोड़कर अब नए भारत के नए क्रिमिनल लॉ को अपनाने की कवायद की जा रही है। इन तीनों नए कानूनों में फोकस पीड़ित को इंसाफ दिलाने को लेकर होगा, आपराधिक मामलों के साक्ष्य आधारित जांच पर होगा और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर होगा। हालांकि इसके लिए ना सिर्फ पुलिस को ज्यादा मजबूत अधिकार मिलेंगे बल्कि साथ ही साथ पुलिस एजेंसियों की जिम्मेदारी भी पहले से कहीं और ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था के लिए भी पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए समय सीमा और जिम्मेदारी को तय किया गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए, समझिए कि आखिर बदलाव क्या आने वाले हैं। कानून प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देश में 3 नए आपराधिक कानून कल से लागू हो जाएंगे। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानूनों की जगह ज्यादा प्रभावी है। तकनीक और नए दौर के अपराधों को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव के साथ इन्हें लागू किया जा रहा है। इन तीनों नए कानूनों में फोकस पीड़ित को इंसाफ, आपराधिक मामलों की साक्ष्य आधारित जाँच और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर रहेगी। हालांकि इसके लिए न सिर्फ पुलिस को ज्यादा मजबूत अधिकार मिलेंगे बल्कि साथ ही पुलिस एजेंसियों की जिम्मेदारी भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था के लिए भी पीड़ित को इंसाफ के लिए समय सीमाएं और जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा। नए कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जो न्यायिक प्रक्रिया की अवधारणा को और ज्यादा मजबूत करते हैं, चाहे वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो आधुनिक तकनीक के आधार पर, या फिर समय रहते इंसाफ दिलाने की बात हो, या न्यायालयों में तय समय के भीतर फैसले करने की बात हो। इन नए 3 कानूनों से न्यायिक प्रणाली के साथ साथ में पुलिस प्रणाली भी दुरुस्त होगी। नए आपराधिक कानूनों में ऐसे कई प्रावधान हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। वक्त पर सही न्याय के लिए पुलिस और कोर्ट के लिए सीमाएं और जिम्मेदारियों को भी निर्धारित कर दिया गया है। तो वहीं अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हो गए हैं। पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान शामिल है। तो वहीं पुलिस विवेचना में तकनीक का इस्तेमाल पारदर्शिता और जांच में तेजी को ज्यादा प्रभावी बनाएगी। क्या है 3 नए कानून? भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता होगा। आईपीसी 511 धाराएं, बीएनएस 358 धाराएं, नए कानून में 21 अपराध शामिल। वहीं दूसरे कानून की बात करें तो सीआरपीसी को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून में 177 धाराएं बदली, 9 नई धाराएं जुड़ी। नए कानून में 14 धाराएं खत्म कर दी गई। अब छोटे मोटे अपराधों पर जिस तरीके का पहले सजा और मुकदमे की प्रक्रिया थी उसको सरल किया गया है। उसमें कम्युनिटी सर्विस वगैरह जोड़ दी गई है कि छोटे मोटे अपराध करने वालों को कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। इस तरह से बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं।
पुलिस को इसमें एक तो एक सहूलियत ये हम कह सकते हैं कि किसी भी थाने में आप किसी भी अपराध की एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो कानून बदला गया है वो होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 170 धाराएं होंगी, पहले एविडेंस एक्ट में 166 धाराएं थी। 24 धाराओं में बदलाव, दो नई धाराएं जुड़ी, पुरानी 6 धाराओं को खत्म किया गया। तो जो भारत का नया कानून है, भारत के नए कानून में अगर हम देखें तो खास तौर से बच्चों को, महिलाओं को, समाज के उन सभी दुर्बल लोगों को जिनको ईज ऑफ जस्टिस, जिनको सुलभ न्याय नहीं मिल पाता था कुछ कारणों से, उसको दृष्टिगत रखते हुए और साथ ही साथ इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए इंडियन पीनल कोड की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता आई। पुराने कानूनों की जगह अब लाए गए इन तीनों नए कानूनों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। कुछ ऐसे कानून जो विसंगत हो चुके हैं, नए दौर के हिसाब से कारगर नहीं थे, उनको खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा तीनों ही कानूनों में नई धाराएं शामिल की गई हैं, जिसमें आतंकवाद और संगठित अपराधों के तौर पर फोकस करके प्रावधान शामिल किए गए हैं। मोदी सरकार समय समय पर कहती रहती है कि अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता के प्रतीकों को बारी बारी से देश को मुक्त किया जाएगा। इसी कड़ी में अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदलने की बात भी कही हुई है, जिसमें नए आपराधिक कानून के तौर पर भारतीय न्याय संहिता को लाना तय किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भी अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तौर पर जाना जाएगा। आईपीसी और नए आपराधिक के बीच बदलाव की बात करें तो अपराधों की परिभाषा और सजा जैसी चीजों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। आम जनजीवन में भी लोग कत्ल या हत्या को धारा 302 से जोड़कर देखते हैं। नए आपराधिक कानून में अपराध की धाराओं की संख्या बदल दी गई है। अब हत्या की सजा धारा 101 के तहत सुनाई जाएगी। अब धारा 302 में चीन स्नैचिंग या फिर छीना झपटी की सजा मिलेगी। 376 को आम लोग बलात्कार या रेप की धाराओं के तौर पर जानते थे, लेकिन अब बलात्कार की धाराएं 63, 64 और 70 गैंगरेप के लिए होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इन तीन नए कानूनों से बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ धाराओं में तब्दीली की गई है, साथ ही कई गंभीर अपराधों के लिए सजा का प्रावधान भी बेहद सख्त कर दिया गया है, जैसे रेप, मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों को और ज्यादा संगीन श्रेणी में डालते हुए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले 15 पॉइंट्स में हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार नए कानून क्या कहते हैं। नए आपराधिक कानूनों के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया से लेकर कानूनी कामकाजों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेगा। ना सिर्फ धाराओं में तब्दीली कर दी गई है, बल्कि पुराने कानूनों के तहत जो धारा किसी अपराध के लिए तय थी वो अब किसी और अपराध के लिए तय की जा चुकी है। साथ ही कई गंभीर अपराधों के लिए सजा का प्रावधान भी बेहद सख्त कर दिया गया है। रेप, मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों को और ज्यादा संगीन श्रेणी में डालते हुए सख्त सजा का प्रावधान कर दिया गया है। सबसे पहले 15 पॉइंट्स में आपको समझाएंगे कि आखिर नए कानून क्या कहते हैं। एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले तक सुनवाई ऑनलाइन, ऑनलाइन शिकायत के 3 दिन के अंदर होगी एफआईआर। 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच, यौन उत्पीड़न केस में 7 दिन में जमा होगी रिपोर्ट। पहली सुनवाई से 60 दिन के अंदर तय होंगे आरोप। आपराधिक केस में सुनवाई पूरी होने के 45 दिन में फैसला। भगोड़े अपराधियों पर 90 दिन के अंदर दायर होगा केस। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग पर सजा और सख्त होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर सख्त सजा। राजद्रोह को अब देशद्रोह का अपराध माना जाएगा। धोखे से यौन संबंध पर 10 साल की सजा और जुर्माना। देश में कहीं भी दर्ज होगी 0 FIR, धाराएं भी जुड़ेंगी। 15 दिन में 0 FIR संबंधित थाने को भेजी जाएंगी। ट्रायल कोर्ट को अधिकतम 3 साल में देना होगा फैसला। नए कानून में 23 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा। पुलिस को और मजबूत करेंगे या फिर
जो पीड़ित होंगे उनको क्या इंसाफ दिला पाएंगे? इंसाफ भी वक्त रहते यानी कि कम समय में दिला पाएंगे? इस तमाम सवालों पर विशेषज्ञों से जब बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इन तीन नए कानूनों से जहां कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी वहीं आरोपी को सजा आसानी से मिलेगी, वहीं पुलिस को भी काम करने में आसानी रहेगी, यानी कि मामले की जो मुकदमे हैं उनकी पैरवी करने में भी पुलिस को इन तीन कानूनों से आसानी होगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर धाराओं में क्या बदलाव हुए हैं। हत्या के लिए पहले 302 धारा लगती थी, अब 103 लगेगी। हत्या के प्रयास के लिए 307, लेकिन अब 109। रेप के लिए 376 लगती थी, लेकिन अब 64 लगेगी। लूट के लिए पहले 392 लगती थी और अब 309 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए 420 लगती थी, अब 318 लगेगी। वही मारपीट के लिए पहले धारा 323 लगती थी और अब 115 लगेगी। छेड़छाड़ के लिए पहले 354, लेकिन अब 74। अश्लीलता के आरोप में पहले 354A, लेकिन अब 75। दहेज हत्या के लिए पहले 304B धारा लगाई जाती थी, लेकिन अब धारा 80 लगेगी। वहीं नाबालिग के अपहरण मामले में पहले धारा 363 लगती थी, लेकिन अब 139 लगेगी। जान से मारने की धमकी में पहले 506, लेकिन अब 351। वहीं आत्महत्या के लिए उकसाने पर पहले धारा 306 लगती थी, लेकिन अब धारा 108 लगेगी। जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, जो बच्चों से संबंधित अपराध हैं, उनको और कड़ा किया गया है और उसमें जो साक्ष्य हैं उनके बारे में भी स्पष्टता की गई है। जो आज के ज़माने में मॉडर्न एज में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक साधन है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास वीडियो कॉल है, आपके पास जो कॉल रिकॉर्डिंग है, पहले ये प्रूफ नहीं होते थे तो इनको प्रूफ मान लिया गया है कि अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, पहले नहीं थे। वहीं इसके अलावा कई गंभीर अपराधों में सजा का प्रावधान काफी सख्त कर दिया गया है, कई अपराधों में सजा में बढ़ोतरी की गई है। रेप और पॉक्सो कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास, हत्या मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, मॉब लिंचिंग मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, किडनैपिंग 7 साल या अधिक की सजा और जुर्माना, फिरौती के लिए किडनैपिंग मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा, दंगा करने पर कम से कम 7 साल की सजा, दहेज हत्या के लिए 7 साल या अधिकतम आजीवन कारावास की सजा, वहीं हादसे में मौत पर अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना, हत्या की कोशिश में मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, स्नैचिंग में कम से कम 3 साल की सजा और जुर्माना। गैंग रेप के मामलों में 20 साल या जिंदा रहने तक सजा का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान है। पुलिस को शिकायत के 3 दिनों में ही एफआईआर दर्ज करनी होगी। जीरो एफआईआर, ई एफआईआर को इसमें मैंडेटरी किया गया है और कहीं से भी जीरो एफआईआर करने के लिए पुलिस बाध्य होगी। 3 से 7 साल वाले सजा मामलों में प्रारंभिक जांच कर एफआईआर दर्ज करनी होगी। जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में और तलाशी की रिपोर्ट अधिकतम 24 घंटे में कोर्ट के सामने रखना होगा। बिना किसी देर के बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट को 7 दिनों के अंदर पुलिस थाने और न्यायालय में सीधे भेजने का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में जांच 2 महीने के अंदर पूरी करने की व्यवस्था की गई है। नए कानून के तहत पीड़ित को 90 दिन के अंदर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी कराना भी जरूरी होगा। 7 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौकाए वारदात पर जाना जरूरी होगा। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 5 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इन नए कानूनों का मकसद न सिर्फ अंग्रेजी दौर की मानसिकता और प्रणाली को बदलना है बल्कि बेहतर कानून व्यवस्था और नए दौर के हिसाब से पुलिसिंग को भी तकनीक से लैस करना है। बदलते हुए दौर को देखते हुए पुलिसिंग में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया और इसके साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी में भी कई शर्तें जोड़ी गई हैं।
सरकार हमेशा से अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीकों और मानसिकता को खत्म करने के अभियान में लगी रही है। इसे लेकर देश में कई अहम बदलाव भी देखने को मिले। इसी कड़ी में नए कानून को भी देखा जा रहा है। इसका मकसद न सिर्फ अंग्रेजी कानूनों को बदलना है, बल्कि बेहतर कानून व्यवस्था और नए दौर के हिसाब से पुलिसिंग को भी तकनीक से लैस करना है। इसी कड़ी में अब से देश में पुलिस और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। जीरो एफआईआर और ई एफआईआर हो पाएगी और एफआईआर का जांच जो होता है उसको भी ऑनलाइन फरियादी को 90 दिन में देना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या होगा। माननीय फॉरेंसिक का भी मैं आगे बताता हूं, हमने आईसीजीएस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ जितला जितनी एफआईआर का डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और ई कोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, ई प्रिजन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ई प्रोसिक्यूशन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और ई फॉरेंसिक हो चुका है। आम आदमी से जुड़े बदलावों के हिसाब से देखें तो ये बदलाव न सिर्फ पारदर्शिता और इंसाफ की प्रक्रिया को मजबूत करेंगे, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में सबूतों की अहमियत और भूमिका दोनों को बढ़ा देंगे। बदलते दौर को देखते हुए पुलिसिंग में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी में भी कई शर्तें जोड़ी गई हैं। नए कानून, नए तरीके। ऐसे मामले जिनमें 3 साल से कम सजा, गिरफ्तारी के लिए डीएसपी की अनुमति जरूरी, शारीरिक कमजोर या 60 साल से ज्यादा का आरोपी, गिरफ्तारी के लिए डीएसपी की अनुमति जरूरी, आरोपी की गिरफ्तारी परिजनों को सूचना देना जरूरी, थाने में हाजिरी के लिए बाध्य नहीं, 15 साल से कम या 60 साल से ज्यादा, महिला या दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार, हथकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ गंभीर धाराओं में। कानून में ई एफआईआर और जीरो एफआईआर के भी प्रावधान किए गए हैं, जिससे आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने में मदद मिलेगी, संगठित अपराध रोकने में मदद मिलेगी और यही नहीं, विवेचक की जो विवेचना है वो उनके विवेक की बजाय आधुनिक तकनीक यानी कि फॉरेंसिक से लगाकर आधुनिक तकनीकी के साक्ष्यों के आधार पर होगी। वहीं पुलिसिंग में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की अहमियत को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक एविडेंस को और ज्यादा मजबूत किया गया है। तलाशी या जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी जरूरी होगी। गवाहों के बयान लिखित के बजाय ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मान्यता दस्तावेजों की तरह होगी। 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में फॉरेंसिक टीम शामिल होना जरूरी। जो भी वादी है उसको अगर आप विवेचना में क्या प्रगति हो रही है, किसी का नाम जुड़ रहा है, किसी का नाम हट रहा है, इन सभी चीजों की सूचना भी समय समय पे देना बाध्यकारी है। और इन सभी चीजों का ज्ञान सभी हमारे जो वर्टिकल्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनको उनका पूरा ज्ञान होना एक बहुत बड़ा टास्क था और हमारे सभी विभागों ने इसमें मूलतः ट्रेनिंग विभाग, टेक्निकल सर्विस, प्रोसिक्यूशन, जेल, इन सभी ने जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया की वो बहुत ही अनुकरणीय है। 1 जुलाई से देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। पुलिस को कुछ खास बात को ध्यान में रखना जरूरी होगा, तो वही ये कानून तारीख दर तारीख वाली मुकदमेबाजी से भी पीड़ितों को राहत दिलाने में सही साबित हो सकता है। हालांकि अभी बस ये लागू किए जा रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि पुलिसिंग और न्याय प्रणाली का ये नया प्रयोग कितने बदलाव और सकारात्मक नतीजे लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। हमारा राज्य 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विश्वविद्यालय,
42 संसद और 135 आईपीएस अफसरों के लगभग 4200 सुझावों को एनालिसिस करकर एक कानून बनाया गया है। मैं नहीं मानता कोई कानून इतनी विस्तृत कंसल्टेशन की प्रक्रिया से।